किसान भाइयों नमस्कार। आज मैं ये आपको रायड़े की फसल के बारे में बता रहा हूँ कि जो आप ये फसल देख रहे हैं ना, ये इस फसल की बुआई हमने अक्टूबर में फर्स्ट के अंदर बुआई की है। और इसको अंदर के हमारे क्या पानी की थोड़ा कुएं में पानी की भी कमी थी, तो इस वजह से पहले इसको मामूली हल्का हल्का पानी पिलाया और फिर मतलब तई निकलवाई, फिर हल निकलवाया कल्टीवेटर, और उसके बाद में हमने पावटा लगवा दिया। और पावटा लगवाने के बाद में वापस हमने तुरंत ही रायड़ा की बुआई करा ली। रायड़ा की बुआई के टाइम में कम से कम इसके ऊपर मिट्टी आधा इंच से ही कम पड़नी चाहिए, कम पड़ी है, इसलिए रायड़ा उगने में बहुत अच्छा उग गया। और पानी की कमी की वजह से थोड़ा सीधा और फल फ्रूट में थोड़ी कमी हो रही है। और इसकी पैदावार के अंदर कम से कम ये 2 क्विंटल के करीब बीघा में बैठ जाएगा, 1 बीघे में 2 क्विंटल बैठ जाएगा। और रायड़ा की फसल सस्ती सुंदर, कोई दवाई नहीं देनी पड़ती है, और अच्छी बुआई टाइम से कर दो तो रायड़ा की फसल सबसे सुंदर और कम पानी में पैदा। इसको मतलब हमने 2 पानी दिया ओनली, 2 पानी की ये फसल है। और फिर कुएं में क्या पानी ख़त्म हो गया था, तो फिर ये बुआई मतलब इसने हर्षों के फूल में थोड़ा सा ग्रोथ में थोड़ी लंबाई कम हो रही है। इसकी वजह से हम आपको यही बता रहे हैं, कम पानी की खेती हो तो हम रायड़ा की बुआई करें तो उसमें हम फायदा में रहते हैं। अच्छा सर, धन्यवाद।